बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर से आ रही है, जहां सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोर्ट ने दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में कुर्की का आदेश दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आजम खान की मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ पहले भी हो चुकी है मुनादी। और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ फहीम हमारे संवाददाता फोन लाइन पे बने हुए हैं। फहीम, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है? आजम खान की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्या कुछ ताजा मामला है? देखिए, आज दो जन्म प्रमाण पत्र पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान वाला जो मामला चल रहा है, उसमें आज पेशी थी आजम खान, अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा की। क्योंकि ये मामला काफी पुराना है और इसमें भाजपा के नेता आकाश सक्सेना ने एक मुकदमा थानागंज में 420, 467, 471 के अंतर्गत दर्ज कराया था, जिसमें जांच चल रही थी। जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट गई, कोर्ट ने सुनवाई के लिए आजम खान को हाजिर होने के लिए कहा। आजम खान, उनके पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी विधायक तंजीम फातिमा को बार बार बुलाने के बावजूद भी ये लोग कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। पिछले दिनों ही पिछली तारीखों पे इनके खिलाफ इस शहर में इसी मामले में मुनादी कराई गई थी, ढिंढोरा पिटवाया गया था। और कल इसी मामले में तीन मामले थे, ये इनमें अंतरिम जमानत याचिका डाली गई थी, जो कि कई तारीखों के बाद कल तय हुई और तय हुआ कि कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो जो आजम खान की मुश्किलें हैं इन दिनों काफी बड़ी हुई है, चाहे वो मुकदमों को लेकर हो या यूनिवर्सिटी के अंदर जमीनों को लेकर हो। कई मामले इस तरह से हैं, चल रहे हैं कि उनकी मुश्किलें बहुत बड़ी हुई हैं। और इस टाइम जो अब आज ताजा मामला था, ये इसी मामले में आज कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए आज उनके कुर्की के आदेश कर दिए हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो सपा सांसद आजम खान की मुश्किल जो है वो बेहद बड़ी हुई है, क्योंकि कुर्की के आदेश होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो सपा के सांसद हैं रामपुर से, और फिर उनके बेटे पूर्व विधायक और उनकी पत्नी इस टाइम विधायिका है रामपुर से, तो अपने आप में एक वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और ताकतवर शख्सियत है और जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर भी है। तो उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कुर्की की होना अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कुर्की का आदेश दिया गया है तो बड़ी बात तो है, पर जिस तरीके से आजम खान को कोर्ट की तरफ से कई बार आदेश भी दिया गया, वो कई बार उन्हें तारीखों पर भी बुलाया गया पर आजम खान मौजूद नहीं होते थे, तो कहीं ना कहीं कुर्की का जो आदेश दिया गया है वो आजम खान की मुश्किलें फहीम बढ़ा सकती है। जी फहीम, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। देखिए, आजम खान की जो मुश्किल है वो इसी लिहाज से भी ज्यादा बड़ी हुई कही जा सकती है, क्योंकि कई मामलों में उनके खिलाफ कोर्ट सख्ती बरत चुका है और कल ही एनबीडब्ल्यू और गैर जमानती वारंट भी उनके खिलाफ जारी हो चुका है एक मामले में, और एक मामले में उनको हालांकि कल राहत भी मिली थी। लेकिन जिस तरह से आजम खान लगातार मुश्किलों में घिरे हुए हैं, प्रशासन की लगातार कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है वो उनकी तरफ से जो हमने पक्ष जानने की कोशिश की तो कैमरे के सामने तो कोई नहीं आया, लेकिन कहते यही सुने गए कि ये प्रशासन की जो कार्रवाई है, ये प्रशासनिक कार्रवाई हुई है और जो ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं ये कहीं ना कहीं जो है वो राजनीति से प्रेरित है। जिस वजह से इनको घेरा जा रहा है वो इसलिए क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं और बहुत ही कद्दावर नेताओं में इनका शुमार होता है, और क्योंकि समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में ये इन्होंने बहुत ही अहम रोल अदा किया है, और ये सरकार जब बनती है तो उसमें बहुत ही अहम पदों से ये नवाजे भी जाते हैं और अपने आप में ये राजनीति की एक अलग ही शख्सियत भी है, और ये अपने बयानों के लिए और अपने कामों के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। इनकी मकबूलियत देश ही नहीं विदेशों में भी है। तो जिस तरह से आजम खान की मुश्किलें काफी इस टाइम बढ़ी हुई है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि इन मुश्किलों से पार पाना शायद अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो चला है आजम खान के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से भी ये जो मामला हुआ था, इसमें हाई कोर्ट की तरफ से भी दो मामलों में राहत देने से इनकार किया गया था, और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी को हाई कोर्ट ने कम उम्र का मामला मानते हुए पहले ही रद्द कर दिया है। तो जिस तरह से लगातार आजम खान चौतरफा इस टाइम घिरे हुए हैं, उनकी मुश्किलें इन दिनों जो बढ़ी हुई बिल्कुल फहीम, तो ऐसे में साफ है कि आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो एक बार फिर से बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।